महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और राकांपा नेता धनंजय मुंडे की हालत में सुधार है। मंगलवार रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अस्पताल का दौरा किया और उन्होंने बताया कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। शाम तक धनंजय मुंडे को ICU से शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्हें दौरा नहीं पड़ा था, बेहोश होने के कारण वह बेसुध हो गए थे। दरअसल तबीयत बिगड़ने के बाद मुंडे को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान खबर आई थी कि धनंजय मुंडे को मनरा अटैक आया था। इसके बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे अस्पताल पहुंचकर मुंडे से मुलाकात की थी। धनंजय मुंडे दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ की थी। साल 2012 में उन्होंने भाजपा छोड़ दी और NCP से जुड़ गए। 2014 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। उसी साल उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन अपनी चचेरी बहन और गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा से चुनाव हार गए। 2019 में बीएड की पर्ली सीट से उनका मुकाबला फिर एक बार पंकजा मुंडे से हुआ और वे इस बार चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उन्हें महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मुंडे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबी माने जाते हैं। साल 2019 में जब एक दिन सुबह सुबह अजीत पवार ने पार्टी से बगावत करके देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्री पद की शपथ ले ली थी, तब उस साजिश में धनंजय मुंडे की भी अहम भूमिका बताई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।